And gentlemen, the stage is all yours, Mr. Batra, and the great Khali. I'm sure everyone please wants give Daleep Singh Rana. Great Khali is his given name by WWF. His real name is Daleep Singh Rana. So, you know, the only reason, apart from the fact he shares his birthday with me, I invited him, because when I'm on stage with him, I look thin and cute. Yes. Khali ji, tusi pehle to Virgo hai, tusi theek bande ho. You know, those people who know me know that I hire Virgos without an interview. Tusi Nahan vich paida hoye, Jalandhar vich vadde hoye, then tusi America chale gaye. Tuhada jehda initial childhood siga, it was very tough. Your parents didn't even have money to pay for your education. And you come so far. You're a celebrity in your own right. You're an international star. There is a book that's been written on your life that you co-authored with someone. There is a movie that's coming on you. How has this journey been? Kis tarah ho paya tusi us jehde school vich sige, where you couldn't even pay your fees, and today look where you are. Tusi kis tarah kita hai sab? How did you do it? Bilkul aapne sahi bataya, main ek chote se gaon se matlab meri jo life start hui hai, chote se gaon pe main paida hua hu Himachal mein. That's the other reason Yamini is invited him, because he's born in Nahan and Yamini is born in Nahan. Very, very chauvinist, you know. Yeah, bilkul. Sirmaur district se hoon main, Nahan se hoon main. Aur bilkul aapne sahi bataya ki school jaane ke liye paise nahi the. Bilkul phir hum 8 bhai behan hain hum. आठ भाई बहन हैं हम. और जो आपने बताया कभी किस तरह हुआ, मतलब तो मेरे हिसाब से क्योंकि मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मजबूरी सारा काम कराती है, मजबूरी सारा काम कराती है. अगर कोई किसी के पास मतलब आज मोदी जी 9 बजे बोलेंगे, अगर कोई इस सारा कुछ इजीली मिल जाए तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, मतलब. और अगर उस टाइम में मेरे पास स्कूल जाने के लिए पैसे होते, हो सकता है कि अपने गांव में छोटी मोटी जॉब कर लेता या छोटा मोटा काम कर लेता मैं. तो मैं मतलब परमात्मा पे विश्वास करता हूं कि भी जो होता है सब ठीक ही होता है. और मैं 94 में मैं पंजाब पे आया था, जबकि उस टाइम पंजाब पे काफ़ी उग्रवाद का एक दौर था. वो अब समझ आया उग्रवादी क्यों भागे आपको देख के बाद. तो या बिल्कुल. सो आप क्रेडिट दे सकते हो वैसे उसका. सो मतलब उस टाइम भी हमारे जो गांव के जो अपने दोस्त है और अपने जो माता पिता है बता रहे थे कि पंजाब पे नहीं जाना, पंजाब पे उग्रवाद बहुत ज़्यादा है. तो लेकिन हमारे मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो गाँव पर ही मतलब मजदूरी करता या मतलब मैं पंजाब पे आता. तो मैं सोचा, मैंने कहा नहीं, मजदूरी बहुत होगी, कुछ आगे कुछ करना है तो इसलिए मेरे को घर से बाहर निकलना ही पड़ना है. तो 94 पे मैं पंजाब में आया था और 2000 पे मैं यूएसए चला गया था. तो यूएसए पे भी मतलब जो यूएसए पे बहुत सारी मुश्किलें थी और मुश्किल का सामना मैंने करा है वहाँ पर, कि भाई मतलब वहाँ पर बोलते थे कि भी आप अमेरिका में आए हैं तो अब कोई ना कोई काम स्टार्ट करो यहाँ, या जैसे कोई गैस स्टेशन पे जो मोस्टली इंडियन लोगों का काम होता है जो यहाँ से जाते हैं, तो वहाँ पर लोग काम करते हैं या तो गैस स्टेशन में काम कर लेते हैं या कोई टैक्सी चला लेते हैं या ट्रक बाय कर लेते हैं मतलब. तो मेरा ये था कि भाई नहीं, अगर मैं यूएसए आया हूँ, मैं जिस काम के लिए आया हूँ मैं वही काम करूँगा. मैं तो मैं सारे मतलब जैसे लोग जो मेरे को गाइड बोलते थे कि आप काम करो, रेसलिंग हमारा काम, रेसलिंग करना हमारा काम नहीं है, जो रेसलिंग करना ये तो गोरे का काम है, क्या करेंगे तू रेसलिंग सीख के क्या करेंगे. मैं लेकिन एक अपना शौक था और एक ये था कि भी मतलब नहीं, कुछ ऐसा काम करूँ जो मतलब और नहीं कर पाते,
टैक्सी है, स्टोर पे काम करना, ये तो सब लोग करते थे हिंदुस्तान के मतलब, पर लेकिन मैंने कहा मैं ऐसा काम करूँ जो शायद ही मतलब कोई मतलब हिंदुस्तानी करता है। तो मैंने रेसलिंग सीखी और 2001 पे मैं जापान चला गया था। जापान में मैंने 3 साल जापान में काम करा और उसके बाद 2004 पे मैंने हॉलीवुड पे मूवी की थी और 2005 पे मैं WWE में चला गया था। पहले पिक्चर की फिर WWE में गए? हाँ, पहले मैं पिक्चर की मतलब लॉन्गेस्ट यार्ड काफ़ी मतलब फेमस रही, मतलब लॉन्गेस्ट यार्ड एडम सैंडलर के साथ थी मतलब, और 2005 पे मैं WWE पे साइन किया था। खली जी, रेसलिंग के अलावा आपको क्या अच्छा लगता है और क्या आपके शौक है? रेसलिंग से शौक में बहुत कोई ज़्यादा पाले नहीं मतलब, अगर मैं ज़्यादा शौक पालता तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँचता मैं फिर उस पर मतलब, यू नो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं आपने पिक्चरें देखी, लेकिन मैं मतलब ना देखी नहीं मैंने लाइफ पे, जो अपनी मैंने 7-8 पिक्चरें करी है उस वो नहीं मैं अभी तक कोई पूरी देखी मतलब, थोड़े थोड़े 20 से क्लिप देखे है लेकिन पूरी कोई पिक्चर नहीं मैंने देखी अपनी भी नहीं। तो मैं मोस्टली मतलब सत्संग बहुत सुनता हूँ मैं, और न्यूज काफी देखता हूँ मैं। न्यूज आप मतलब सत्संग में न्यूज देखने के बाद जाते हैं? जरूरत पड़ती होगी, हिंदुस्तान में न्यूज ऐसी आती है उसको देखने के बाद सत्संग में जाना पड़ता है? बस कुदरती मतलब कुदरती शौक है, कुछ मतलब एक हॉबी है मतलब, पहले से शुरू से ही मतलब एक न्यूज देखना मतलब एक शौक है। एक बात बताइए, आप पे पिक्चर आ रही है उसमें सुशांत सिंह राजपूत आपका रोल प्ले करेंगे, मुझे पता है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ, प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर, उस पिक्चर के जरिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सबको? क्या आपकी पूरी लाइफ की स्टोरी आएगी बट उसका सार क्या है, उसका जिस्ट क्या है? आई थिंक जो व्हाट इज दैट यू ट्राइंग टू टेल, मेरी जो पूरी मेरी जो पिक्चर बन रही है पूरी मेरी मतलब स्ट्रगल लाइफ पे पिक्चर है, तो वही मतलब मैसेज कि भाई मतलब अपने काम से भागना नहीं चाहिए, फेलियर से हर कोई बंदा, कोई जो ये मतलब मैं सोचता हूँ कि हर कोई बंदा कोई बिजनेसमैन के घर पे पैदा नहीं होता, हर कोई बंदा कोई बड़े घर पे नहीं पैदा होता मतलब, बहुत सारे लोग हैं जो छोटे परिवार से या गरीब फैमिली से होते हैं मतलब, तो उनके लिए एक मैसेज के भी मतलब भागना नहीं चाहिए और मुश्किल का सामना करना चाहिए, जो आपका एम है तभी आपने शादी की, जो आपने टारगेट बनाया है एक सोचा है तो उसको पूरा करना चाहिए मतलब, भागना नहीं चाहिए मतलब, डोंट रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स, क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी देयर एंड यू नो सक्सेस कम्स टू दोस पीपल हु टेक ऑन चैलेंजेस हेड ऑन, राइट? तुसी कह रहे हो फेलियर तो नहीं डरना चाहिए, राइट? बिल्कुल मतलब, क्योंकि मतलब कोई भी अगर कुछ आगे बढ़ना है, कुछ लाइफ पे करना है तो मतलब इजी नहीं है मतलब, मैंने मतलब जितना आई थिंक जो मैंने स्ट्रगल किया है, मैं तो मैं अभी मतलब यू नो इतना टाइम नहीं बताने का, लेकिन मेरा स्ट्रगल ऐसा है, जब मैं USA गया था ना मेरे को इंग्लिश आती थी, इंग्लिश तो खैर अभी भी नहीं आती पर लेकिन काम चलाते हैं मतलब, एज डॉक्टर वेलुमनी सो 15-16 साल मैंने अमरीका में लगाए हैं और वहाँ पर मतलब घर नहीं था मेरे पास, ना मेरे पास कोई उतना पैसा था, तो बहुत स्ट्रगल का सामना करा मतलब, तो लेकिन मतलब मैं खुदा का मतलब भगवान का एक शुक्रिया करता हूँ कि जो मैंने मतलब काम स्टार्ट करा है उसमें मैं कामयाब हुआ, कि मैंने उतनी जो मेहनत करी उसमें मैं कामयाब हुआ मतलब। गॉड ब्लेस यू। मैं 2 क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा फिर जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आपसे कुछ, एक तो रेसलिंग से इंसान लाइफ के बारे में क्या सीख सकता है, आपकी लाइफ रेसलिंग के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, तो रेसलिंग के कौन से ऐसे जीवन के लिए लेसन्स हैं जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं? रेसलिंग मतलब एक बहुत हार्ड है, बहुत टफ है मतलब, लेकिन रेसलिंग ज़्यादा टफ है, लाइफ ज़्यादा टफ है, या शादी ज़्यादा टफ है? हाँ, शादी ज़्यादा टफ है, लाइफ ज़्यादा टफ है, या रेसलिंग ज़्यादा टफ है? शादी मतलब, हाँ, शादी करना ज़्यादा टफ है, शादी करना भी टफ है जैसे, कौन सा ज़्यादा टफ है? पर लेकिन जो रेसलिंग है बहुत टफ है बिल्कुल है, और दूसरा अपनी हेल्थ वो फिट रख सकता है अगर कोई भी स्पोर्ट्स करता है, अकेला ये नहीं कि रेसलिंग करता है, पर लेकिन जो रेसलिंग है वो उस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन मतलब काफ़ी डिसिप्लिन पे काफ़ी रहना पड़ता है, अपनी बॉडी शेप पे रखनी होती है,
तो तभी वो आप लंबे टाइम तक मतलब रेसलिंग कर सकता है उसमें. फैंटास्टिक. लास्ट क्वेश्चन, आपने आप भारत से हैं, आप यू वेंट टू अमेरिका, यू लिव देयर फॉर मेनी मेनी इयर्स, यू वेंट टू जापान. ये बताइए अमेरिका में ऐसी क्या चीज़ है कि वहाँ कोई भी आदमी जाके कोई भी ड्रीम करता है तो कुछ भी कर पाता है. अमेरिका के बारे में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, आपके क्या अनुभव रहे हैं, व्हाट हैव बीन योर एक्सपीरियंसेस? अमेरिका में अच्छा ये कि वहाँ पर मतलब एक बहुत फ्रीडम है, बहुत अच्छी लाइफ जी सकता है और डेवलप कंट्री है और मतलब कोई दूसरे के काम पे कोई इंटरफेयर नहीं करता वहाँ पर. जो जिसका काम है जैसा काम कर रहा है तो यू नो उसको करने देते हैं. मतलब ये नहीं कि भी मतलब दूसरे मतलब इंटरफेयर करनी मतलब उस पर, तो वो चीज़ अच्छी है. और अगर आप बोलिए कि बुरी मतलब, तो वो मतलब एक जो फैमिली का जो एक प्यार है वो वहाँ पर नहीं है जो हिंदुस्तान में है. कल्चर बिल्कुल बहुत डिफरेंट है वहाँ पर, और बस वही चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है वहाँ पर. अब आप 45 साल एक महीना और 10 दिन के हैं, मुझे पता है कि मैं भी इतना ही बिल्कुल ठीक है. मुझे बताइए अगले 5 से 10 साल में दलीप सिंह राणा क्या अचीव करना चाहता है, आपकी ख्वाहिश क्या है? क्योंकि अब आप पॉपुलर तो बहुत है, सब आपको जानते हैं, सब आपके साथ आके सेल्फी ले रहे हैं, आपने रेसलिंग में भी बहुत कामयाबी देखी. अब अगले 5-10 साल में क्या आप पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? अगर नवजोत सिंह सिद्धू को कोई फाइट दे सकता है, मेरे को लगता है वो आप है. ये मेरा अपन सोच है, हर बंदा अपनी सोच बता सकते है. मतलब मुख्यमंत्री पता नहीं बने या ना बने मतलब, लेकिन जो अगर मेरे हिसाब से पॉलिटिशियन मतलब उतना टफ काम नहीं है, मेरे हिसाब से इजी काम है. मतलब इतना टफ काम नहीं पॉलिटिशियन करना, मतलब कि पॉलिटिक्स करनी है तो उतना काम बड़ा काम नहीं है. मतलब क्योंकि हर गली पे हर मोहल्ले पे पॉलिटिशियन वाले नेता बन जाते हैं, मतलब तो उतना बड़ा काम नहीं है. मतलब मैं सोचता अगर मैं जाऊँगा भी कभी, अगर कभी गया तो एनीथिंग सब उतना टफ काम है. मतलब क्योंकि मतलब अगर आप ऑनेस्टली रहेंगे, लोगों के काम करेंगे, लोगों को अपनी बात एक्सप्लेन करेंगे और लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सुनेंगे, तो कौन सा टफ काम है. लेकिन जो मैं अभी मेरा अपना जो एक ड्रीम मतलब अपना मैं सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि जो ये जो जैसा मैं एक गरीब फैमिली से आया हूँ मैं, कि ऐसे जो मेरे पास 200 बच्चा 250 बच्चा रेसलिंग सीखता है, उनको मैं मतलब रेसलिंग सिखाऊँ और अपने जैसे बंदे बहुत सारे उनको मिलो ना, जैसे अपना ग्रेट खाली का नाम है मिलो, ऐसा उनका नाम बनाऊं मिलो, ये मेरा ड्रीम है. Fantastic. Please give him a big round of applause. You know, he wants to make sure he gives back by nurturing the dreams of people like him. क्योंकि मिलो अपने लिए तो हर बंदा जीता है मिलो. और मैं मिलो ये नहीं बोलता मैं कि भी बड़ा हूँ, मैं आप जो आप सारे लोग यहाँ तो बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, मैं एक सबसे छोटा तो बंदा मैं हूँ आपके बीच में. मतलब बेशक कद पे बड़ा हूँ, लेकिन अगर ऐसे देखे जाओ तो मैं सबसे छोटा बंदा समझता हूँ आपके आगे, सबके आगे. पर लेकिन मतलब अपने लिए सब कुछ जीता है. मतलब मैं चाहता हूँ कि भी मतलब अगर मेरे पे कुछ मतलब ऐसा कुछ है, टैलेंट है कि भी मतलब अपने जैसे मैं और ग्रेट खाली बना सकता हूँ, तो क्यों नहीं बनाऊँ मैं मतलब मेरे पास USA पे हॉलीवुड की मूवी मतलब बहुत ऑफर है. मतलब है मेरा भी कुछ करा दो, और कुछ मेरा भी करा दो सर. आपको घर लोड जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मतलब आप तो औरों को स्टार बनाते हैं. नहीं, आपको जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं तो एक रियलिटी बता रहा हूँ. मतलब जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ. WWE पे मैंने 10 साल काम करा है वहाँ पर. अगर मैं मतलब चाहता तो और भी मैं काम कर सकता था मैं. और बॉलीवुड की बहुत सारी मेरे पास ऑफर है, पर लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अपने लिए सब बहुत सारे लोग जीते हैं. मतलब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे जैसे गरीब घर के लोग हैं, कि कुछ अगर मैं उनको उनके लिए कर सकता हूँ तो उनके लिए मैं करूँ, ताकि मतलब वो भी मतलब अपना परिवार और अपना नाम
अपने गांव का और अपने कंट्री का नाम रोशन करें मतलब आई कैन ओनली क्लोज बाय सेइंग लिटरली व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी लाइक यू एंड आई विल बी लाइक यू व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी एग्जैक्टली लाइक यू इन अ लॉट ऑफ वेज एंड डिफरेंट इन लॉट ऑफ वेज बट खली जी शुक्रिया आप हमारे साथ आए एक शाम बिताई अभी तो शाम शुरू हुई है वुड यू लाइक टू आस्क हिम टू और थ्री क्वेश्चन यस Please get the mics there. Ankur wants to ask you thank a question. You so much. No, after me, Ankur, you can't get into a Hollywood movie before me. It's not going to happen. Right. Can we get a mic there? Khali sahab, main ye puchna chah raha tha ki aapka jo ye stature kad kaati hai, how much, isme se kitna God's gift hai aur kitna aapne actually apne upar kaam karke banaya hai? Sawal ye hai ki aapka लंबे चौड़ा शरीर ये एक गॉड्स गिफ्ट है टू यू आपने अपने ऊपर कितना काम करके इसे बनाया क्या परसेंटेज आप कहना चाहते हैं जो आपने एक्चुअली हार्ड वर्क करके क्रिएट किया अपने आपको ऐसा या इट्स जस्ट अबनॉर्मैलिटी पहली बात तो ही उस बॉर्न ऑफ वर्क सो आधा काम तो वही हो गया बाकी ये बताएंगे लेट हिम आंसर यू आर इन द राइट प्रोपोर्शन बिल्कुल जो मेरी हाइट है बिल्कुल बिल्कुल गॉड गिफ्ट है कोई इस पर मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हाइट मैंने खुद बढ़ाई है हाइट बहुत सारे लोगों की है मतलब अगर पंजाब पे मतलब देखिए तो बहुत सारे है मतलब 7-7 फुट के मतलब जी कितनी है आपकी एग्जैक्टली हाइट कितनी है मेरी 7 फुट पूरी है इवन 7 फीट और बाकी जो मतलब एक बॉडी है वो मैंने मतलब प्रैक्टिस करके बनाई है और मैंने कोशिश करी है कि मैं क्लीन डाइट खाता हूँ जंक फूड नहीं खाता हूँ मैं कि अवॉइड करता हूँ जंक फूड खाना और कोशिश करता हूँ कि हर रोज एक्सरसाइज लगाऊँ ताकि मैं अपनी बॉडी फिट कर सकूँ मतलब तो किस तरह की डाइट है थोड़ी बताएंगे डाइट में कुछ क्या 12 अंडे खाते हो दिन के क्या करते हो आप बिल्कुल मैं चिकन खाता हूँ और एग्स खाता हूँ और सैलड खाता हूँ और जिसपे मतलब अगर चिकन खाइए एग खाइए तो प्रोटीन मिलती है बॉडी को और सैलड से मतलब फाइबर मिलता है और बाकी जो मतलब जंक फूड अवॉइड करना है मतलब कोशिश करनी है कि जंक फूड अवॉइड करना क्योंकि जंक फूड मतलब मीठा नहीं ज़्यादा खाना तली हुई चीज़ें नहीं खानी और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप नेचुरली जो चीज़ें उस पर बिलीव करता हूँ मैं नेचुरली चीज़ पर मतलब थैंक यू दैट्स व्हाई ही लेफ्ट अमेरिका नाउ यू नो नाउ वी नो वंदना बडेरा हाय अनुराग हाय खली जी कई बार जो ये हाइट है एडवांटेज भी होती है आपको हेल्प भी करती है और कई बार ये आपके खिलाफ भी जा सकती है तो ऐसी कोई सिचुएशन हुई कि हाइट आपके खिलाफ गई हो आपकी अगेंस्ट गई हो आपको नुकसान दिया हो आपकी हाइट ने आपके स्टेचर ने आपके यू नो कद काठी ने कभी आपको नुकसान हुआ है उससे एवर कभी सोचिए जस्ट थिंक अबाउट इट मेरे को नुकसान तो खैर को कुछ कह नहीं सकता मतलब जब मैं गांव पे रहता था तो उस टाइम मैं एक मतलब गांव के क्योंकि स्पेशली हिमाचल के लोग 5 फुट 5 इंच होते हैं मोस्टली तो उस टाइम मतलब ऐसा लगता था कि मैं यार क्यों अलग है मतलब एक उस टाइम थोड़ा बैरस फील होता था कि मैं यार मतलब डिफरेंट मतलब लोग गांव की सोच एक मतलब मजाक करना लेकिन मतलब जब मैं बाहर पंजाब में आया तो मेरे को ऐसा लगा नहीं मतलब और हाइट मेरी 7 फीट है मतलब उसको मतलब हर बंदे की बॉडी की शक्ल बॉडी का एक जो सोचने की शक्ति और स्ट्रक्चर अलग अलग होता है अगर हम उसको सोचिए यार मेरा ऐसा है मतलब ऐसी बॉडी है ऐसी शक्ल है अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता ये नहीं कर सकता मैं हर चीज़ को पॉजिटिव लेता हूँ मतलब भाई जो परमात्मा ने मेरे को दिया है और उसको मैं मतलब ये नहीं करता मैं कि भी यार ऐसा क्यों हूँ मैं मानता हूँ कि मैं सबसे आप लोगों से अलग हूँ पर लेकिन मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि यार मैं बहुत बढ़िया हूँ और इतना लोगों का प्यार मिलता है अपने आप को बहुत खुशकिस्मत का समझता हूँ मैं अपने आप को Fantastic. What a philosophy to live with. We'll take one last question if there is. Yes, sir. Harjeet, since you come from New York specially for this, and Sheru is your friend, we'll allow you this question. Thank you. Oh, you don't sell an EB5 to him, okay? I won't sell. Okay. Listen, yeah.
Khali ji, great to meet you. Pehli baar maine WWE ka match dekha tha. Jinder Mahal, jo abhi WWE ka number one wrestler hai, apne roughly Sheru ji lekar gaye the wahan pe. To kehne ka maza hi aa gaya ki koi apna banda ek world level pe dominate kar raha hai. To usme dekh ke jo khud ko proud feel hota hai, wo ek totally different feeling hai jab aap bhi wrestling karte the bahar mein. I think you were the only name. Aap hi ka naam tha aur so Harjeet, what's your question, my friend? So mera question ye hai, aap 200-250 bachcho ko wrestling sikhate hain, lekin aapne ye koi government initiative hai, kyunki government bhi is program mein bahut investment kar rahi hai. Agar nahi hai to aap government jo state level Punjab hogi ya India aise general hai, inko kaise involve karke ek ek bada project bana diye, kyunki jo India ko sakht zarurat hai sports ecosystem mein. Ki sarkar to zyada कर नहीं रही है, कोशिश कर रही है सरकार, और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अब खुद स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं. बट आप सरकार नहीं है फिर भी आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जो आप काम कर रहे हैं उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कैसा किया जाए, यही पूछ रहे हो हरजीत? देखो मतलब अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो जो मतलब मैंने दो साल में काम होना है मेरे से, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो एक महीने पे हो सकता है, पर लेकिन मैं गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहता. मतलब अगर हम कोई भी चीज गवर्नमेंट पे थोपेगी, गवर्नमेंट करेंगे तब मैं करूंगा. मैं सोचता हूँ कि जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँ. अगर गवर्नमेंट के भरोसे रहे तो मतलब कभी नहीं होना ना मतलब रेसलिंग में लगाना. आज आप CW को आप खोलो तो हजारों वीडियो आपको मिलेंगी मतलब ग्रेट खाली की, उसमें CW की. अगर मैं गवर्नमेंट की भरोसे रहूं तो ना कभी होना ना मैं कर पाऊंगा, और बस वो लारे से आगे मतलब बताएंगे आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो बस वही मतलब शबाशी मिलेंगे आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो. काम नहीं करेंगे अगर मतलब जब तक वो फंसे नहीं, खुद नहीं मतलब फंसे मतलब, या उनको कोई जरूरत ना होए पॉलिटिशियन, अगर उनको मतलब वोटों की कोई जरूरत ना होए तो मतलब कभी नहीं वो काम करेंगे मतलब ना कभी किया मतलब. उनके गवर्नमेंट के जुम्मे मतलब जितने हॉकी है फुटबॉल है कहाँ पर है मतलब सबसे पीछे है मतलब हमारे हिंदुस्तान के मतलब. क्रिकेट मतलब कोई मतलब गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है मतलब. गवर्नमेंट अब रोल कर रही है मतलब बाहर से मतलब अब रोल कर रही है क्रिकेट में. क्रिकेट ये प्राइवेट बोर्ड ही है एक मतलब क्रिकेट मतलब, तभी मतलब वो तभी इतनी ऊपर है मतलब. वर्ल्ड पे सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है मतलब क्रिकेट हमारा हिंदुस्तान का, क्योंकि वो प्राइवेट बोर्ड ही है वो. अगर हम मतलब सरकार के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन रेसलिंग का कुछ नहीं होना, स्पोर्ट्स का कुछ नहीं होगा. बी द कैटलिस्ट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ. That's the best way to do it. On this note, we'll give a big round of applause to the great Khali, Daleep Singh Rana. God bless him in your endeavors. Ishwar aapko shakti de ki aap un 200-250 bachchon ko madad kar paaye aur wrestling mein India se champions create kar paaye. Sakshi Malik jaise, Sakshi meri Delhi team ki captain hai. Pro wrestling link mein mere paas Delhi team hai aur Kuldeep Singh ji mere coach hai. So wrestling is the only sport which is a ground level sport and which is producing medals for India in Olympics. I'm sure you are an icon and a role model for lots of wrestlers. So I'm sure you'll continue to inspire them with your actions and the positive approach you have. Please give a big round of applause to him and a standing ovation. A role model for a lot of people. Please give him a standing ovation. That way you may be able to match up with his height. Maybe. Thank you. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Shades of Kennedy's speech, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. And he's setting an example right there. Thank you so much, the great Khali. Thank you so much, Mr. Batra. I'm going to trouble both of you gentlemen for just another minute, if I may have you on stage. Khali sir, sirf 2 minute aur lunga aapse. Sabse zyada dar mujhe lag raha tha jab inko interrupt karne ki baari aa rahi thi. But I would like to call on stage Mr. Brian Tellis, Fountainhead Marketing for Experiential Initiatives.
We missed you, sir, so we'd like you on stage here. We'd like to felicitate you. Yes, let's hear it, ladies and gentlemen. I would also like to invite Mr. Om Pradut, phase one for experiential initiative, sir, if we could have you on stage as well. I would like to say here that these beautiful hampers that our awardees are getting are only because of our partner Invico Rubaiyat for carefully curating them for our awardees. Invico Rubaiyat is a premium edibles brand that sources the finest delicacies from around the world, and we thank you for your partnership. Thank you so much for that. Also, Batra sir, one last trouble, if we could felicitate the great Khali, thanking him for being here. So I would request that we hand, yes, if you could have the memento, please, to show our appreciation to the great Khali for being here. Ladies and gentlemen, once more, I would request all of you to show your appreciation with a huge round of applause.